रोजी रोटी जो चल रही थी भैया, खिलौना गुब्बारा बैलून बेच करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये गुब्बारा बेच करके जो है अपना जो है गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पानी बाढ़ आवत है, सबके नैया सब बंद रहा है, हमारे सबके रोजी बंद रहा है। आपकी कमाई की जरिया क्या है? ये पंडिताई हो तो केहू एक रुपया दे था, केहू दो रुपया, बस यही है। जिला लोग जो मना किए हैं, पानी बढ़ रहा है, जैसे कि कोई लोग आते हैं सब फिर वाले घूमने वाले, बाई चांस कोई घटना हो जाता तो इसके लिए कौन भरपाई करेगा। मैं हूँ SP पांडे, आप देख रहे हैं Sach 24 India। मैं इस समय गुप्तार घाट अयोध्या सरजू के किनारे पे खड़ा हूँ और आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, नेपाल का पानी छोड़े जाने से यहाँ अचानक जल स्तर बढ़ गया है, जिससे देखिए यहाँ पानी सीढ़ियों से होता हुआ फर्श तक पहुँच गया है, जिसके चलते यहाँ लोगों की आजीविका छिन गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये पानी जो है एकदम फर्श तक पहुंच गया है, सीढ़ियाँ लगभग गायब हो गई हैं और आप जैसा कि देख रहे होंगे कि देखिए ये सब नाएं खड़ी हुई हैं, जबकि इन लोगों के कमाई का यही एकमात्र जरिया है। और जल स्तर बढ़ जाने के कारण जहां यहां स्नानार्थी नहीं आ रहे हैं और स्नानार्थी ना आने से इन लोगों की जीविका एकदम से ठप हो गई है और इन लोगों को यात्री नहीं मिल रहे हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक, जहाँ तक आप दृष्टि डालेंगे हर तरफ नाएँ जो हैं एकदम खड़ी हुई हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए इधर देखिए आप सरजू का वेग, आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहाँ तक दिखाई दे रहा है, आप लोग देख रहे होंगे सभी नावें एकदम ठप पड़ी हुई हैं। इसके बारे में लोग कहते हैं जिला प्रशासन की तरफ से भी रोक है, जिला प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए नाव चलाने से मना कर दिया है, जिसके चलते अभी हम आइए जानते हैं इन नाविकों से। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? नाम मेरा सनी निषाद। आप भी नाविक हैं? जी। ये देख रहे हैं कि घाट पर यहाँ से लेकर के वहाँ तक लगभग हम देख रहे हैं कि 500 नावें यहाँ खड़ी हुई हैं, क्या कारण है? बस यही है, जिला लोग जो मना किए हैं, पानी बढ़ रहा है, जैसे कि कोई लोग आते हैं सब फिर वाले घूमने वाले, बाई चांस कोई घटना हो जाता तो इसके लिए कौन भरपाई करेगा। अच्छा, क्या ये आप लोगों के नाव ठप हो जाने से कोई फर्क भी पड़ रहा है? जी, कमाई वमाई नहीं हो पाती, बस यही है। लगभग रोज कितनी कमाई हो जाती थी? लोग तो ऐसे तो 500, 600, 700 ऐसे हो जाती थी। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो हमारे तो 6 लोग हैं, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, सब इसी के सहारे चल रहा है जी। आप दादाजी कहाँ के रहने वाले हैं? गुप्तार घाट, बाप का नाम जंगली। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? देवी प्रसाद गुप्तार घाट। पिताजी का नाम क्या है? बाप का नाम जंगली। अच्छा अच्छा, गुप्तार घाट के ही रहने वाले हैं। हाँ। अच्छा, तो ये यहाँ नाव बंद कर दी गई है, तो इससे आप सबके ऊपर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? नहीं, हाँ, जो आपका रोजी रोटी जो चल रहा था, रोजी रोटी जो चल रही थी, भैया खिलौना गुब्बारा बैलून बेच करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये गुब्बारा बेच करके जो है अपना जो है गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा, नाव बंद हो जाने के कारण से? हाँ, नाव बंद हो। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? गुप्तार घाट का। अच्छा, यहाँ पानी बाढ़ आवत है, सबके नैया सब बंद रहा है, हमारे सबके रोजी बंद रहा है। आपकी कमाई की जरिया क्या है? ये पंडिताई हुआ तो केहू एक रुपया दे था, केहू 2 रुपया। अच्छा, यात्री आ रहे हैं बराबर? यात्री बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा, बहुत कम आ रहे हैं यात्री। हाँ। अच्छा, तो कितना कम से कम कमाई हो जाता है? उतना ये 40-50 हो ही जाता है। 40-50 हो जाता है? हाँ, 40-50 में कुछ नहीं होता। इतने में क्या चलता होगा? पुनवा से वह मेला रहा तो वह राशन पानी मिल जाता है। अच्छा अच्छा, दान करने वाले चले जाते हैं।